ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं रोज़ ऐसा सोचता हूँ, रोज़ मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी इस पर एक मंत्र बनाइए, इस टॉपिक पर एक मंत्र बनाइए, एक मंत्र ऐसा बना कर दीजिए। बहुत विचित्र प्रकार की मेरे पास कमेंट आते हैं और मेरा मन भी करता है कि मैं इन पर, मेरे पास हैं सारे मंत्र मेरे पास हैं, लेकिन एक अलौकिक शक्ति से जब मेरे तार जुड़ते हैं तभी जो है मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ है जो कहता है कि आप वीडियो बनाइए, अन्यथा मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, जब तक कि वो तार ना जुड़े, जब तक वो अलौकिक शक्ति मुझसे ना कहे कि इस विषय पर कोई वीडियो बनाओ। ये जितने भी मंत्र हैं इन सब के पीछे वो अलौकिक शक्ति काम करती है। जब तक मेरे तार नहीं जुड़ते तब तक मुझे मतलब बोला ही नहीं जाता मुझसे, लेकिन एक बार उनसे मेरी सुरती मिल गई तो उसके बाद मुझे रोकना मुश्किल हो जाता है, अपने आप शब्द आते रहते हैं। तो आज जो है अभी इस वक्त 12 बजने वाले हैं और एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि उस दिव्य शक्ति से मेरा फिर से जो है संपर्क हो गया और अभी मैं आपको दूंगा एक ऐसा अनुभूत मंत्र जो कि आपको उम्र भर याद रहेगा। आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि पल भर में आपके काम बना देगा। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी किसी से मिलने जाते हैं तो हाथ में उपहार लेकर जाते हैं, पुष्प लेकर जाते हैं। तो यदि आप भी पुष्प लेकर जाते हैं तो एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे कि यदि आपने किसी पुष्प पर अभिमंत्रित करके किसी भी अपने साथी को दे दिया तो वो जन्म जन्मांतर तक आपका होके रह जाएगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही शीघ्र काम करने वाला। बस आपको चाहिए होगा एक लाल रंग का फूल और उस पर इस मंत्र को आप जप दीजिए। इसके बाद सारा कुछ जो है ये मंत्र करेगा। आपको आंख मूंद कर सो जाना है, एक बार ये क्रिया कर दीजिए और इस मंत्र को फूल पर अभिमंत्रित कर दीजिए। इसके बाद जिस किसी भी स्त्री पुरुष को आप ये देंगे वो सोते जागते बस आप ही की माला जपेगा। इतना प्रभावी मंत्र है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। लगभग 15 साल पहले ये मैंने किसी को दिया था और इसके असर इतने लाजवाब थे कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक बार इसको करके देखिएगा तो आपको भी पता लगेगा कि चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। जिस चीज का आपने नाम सुना है इस धरा पर, इस मृत्यु लोक में, वो सब कुछ उपस्थित है। बस बात है कि वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। यदि इस तरह का ज्ञान हमारे पास हो तो इस धरा पर कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो लोक है, मृत्यु लोक, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हैं वो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ज़रिया चाहिए और वो है ज्ञान। जब तक इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो जो हमारे हाथ में है, जो संभव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मोहिनी वशीकरण मंत्र, इसको आपको किसी भी लाल रंग के फूल, चाहे वो कमल का हो, माफ़ कीजिएगा, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, चाहे कैसा भी, जो भी आपके हाथ में आए, यदि आप ये मंत्र 7 बार उस पर अभिमंत्रित करके, बस आपको कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये शाबर मंत्र है, बस 7 बार पढ़कर इस फूल को सामने वाले किसी भी स्त्री पुरुष को दे दीजिए तो वो आपसे मोहित हो जाएगा। तो मंत्र सुन लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। मंत्र है
मोर मोहिनी, मोर मोहिनी, रानी मोहे राजा मोहे। मतलब कि इस मंत्र से राजा रानियों को मोहित किया जाता था। इस मंत्र से सोचिए, जो एक साम्राज्य चलाते हैं उनको ये मोहित कर लेता था। ऊपर के इंद्रो मोहे, अर्थात इंद्र भगवान को भी इसने नहीं छोड़ा। तरी के वासुकी नाग मोहे, जो पाताल में रहते हैं वासुकी नाग, उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। मोर मोहिनी मोहिजा, ओकर मोहिनी, मतलब कि मोर मोहिनी, उसको जो जिसको भी वश में करना है उसको मोहित करते रहो। उड़ीस जा आधी नदिया, रड़त बहे आधी नदिया, तड़त बहे, जे ले फूलन का वास, ते आवे मेरे पास। दुहाई ईश्वर महादेव की। ये दुहाई मंत्र भी है, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे ले फूलन की बांस, मतलब अगर फूल को सूंघ लिया तो ये मोहिनी काम करना शुरू कर देगी। तो यदि आप किसी को दें और वो एकदम से उसको सूंघ ले तो समझिए आपका आधा काम तो वहीं हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको घर आकर आराम से सो जाना है। सारा कुछ अपने आप ये शक्तियाँ करेंगी। मंत्र एक बार फिर, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। मोर मोहिनी रानी मोहे राजा मोहे, ऊपर के इंद्रो मोहे, तरीके वासुकी नाग मोहे, मोर मोहिनी मोहि जा ओकर मोहिनी, उड़िस जा आधी नदिया, रड़त बहे आधी नदिया, तड़त बहे, जे ले फूलन का वास, ते आवे मेरे पास। तो है ईश्वर महादेव की। तो बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी मोहिनी मंत्र, जो कि हर कोई कर सकता है। प्राचीन काल में तो ऐसा होता था कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मोहिनी मंत्र होते थे, और मोहिनी मंत्रों की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, इतनी शक्तियाँ होती थी उनके पास। लेकिन आज के युग में हम इतना आगे निकल गए, मैं आगे तो नहीं कहूँगा, हम पीछे आ गए हैं, कि हम इस धरा को, इस शक्ति को खो चुके हैं। तो जो भी इसका प्रयोग करना चाहे वो सात्विक रहे। जब तक इसका असर ना दिखे तब तक आपको सात्विक रहना है। कोई भी मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इसका आपको सेवन नहीं करना है। मांस मछली अंडा ये सब छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल छोड़कर एक साइड कर दीजिए, इसको सोचिए ही मत। और आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर जो है सोचने से भी फ़र्क पड़ता है। जब आप कोई साधना करें तो ऐसा नहीं है कि आप कर तो रहे हैं साधना, लेकिन आप रील्स में कुछ और ही देख रहे हैं, आप मीट की जो है रेसिपी देख रहे हैं, और मन में जो है वो विचार उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। अगर सात्विक मैं कहता हूँ, इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से सात्विक, आपके जो विचार हैं वो भी शुद्ध होने चाहिए। बिल्कुल साधु बन जाइए, जब तक असर ना दिखे तब तक आपको बिल्कुल साधु बन के रहना है, या फिर पूरी उम्र भर रही है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक साधना में रहें तब तक आपको बिल्कुल शांत रहना है। कोई किसी तरह का जो है आपके अंदर व्यभिचार नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह का ऐसा विचार जो कि आपकी मानसिकता को ख़राब करे। आपको बिल्कुल सात्विक रहना है, और जब ये प्रयोग आप करें तो सुनिश्चित कीजिएगा कि जो भी आपका साध्य है उसको फूल देने से पहले ही कर लें। ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने ही जो है सात बार मंत्र बोल रहे हैं, ऐसा करने से बात जो है बिगड़ जाएगी। आपको ये सारा कुछ जो है पहले से ही पूर्व तैयारी करके रखनी है, और उसके बाद जो है ये फूल पकड़ा देना है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ये इसी समय करना है, कोई मुहूर्त देखना है। शाबर मंत्र है, इसको कभी भी किया जा सकता है। बस एक लाल फूल लीजिए और उस पर इस मंत्र को अभिमंत्रित कर दीजिए। यदि आपके पास बहुत सारे लाल फूल हैं तो भी कोई चिंता नहीं, आप कर सकते हैं। इस मंत्र को सात बार पढ़ दीजिए और दे दीजिए किसी को भी। यदि कहीं कोई बात समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हुई हो, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे 9984 1625 पर।
मेरी मेल आईडी है info@mohiniwidya.com पर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।